ताजा जिंदा वाकिया। उमर फिकर से बैठे हैं मस्जिद नबवी में मिंबर के पास। ऐसे एक अजनबी आया खरिये वाला, आकर हजरत अमीरुल मोमिनीन को सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है अमीरुल मोमिनीन, गमगीन बैठे हैं। उमर ने कहा इतनी बड़ी जिम्मेदारी आई है। अमीरुल मोमिनीन फिक्र ना करे, अल्लाह आपके साथ है, लायक है आप। नबी के बाएं बाजू थे आप। एक बदवी बोल रहा मिंबर के पास ऐसे फिक्र से बैठे थे, गुजरते गुजरते सलाम किया तो हजरत उमर ने पूछा क्या बात है। तो हजरत उमर ने कहा इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, हक अदा होगा कि नहीं होगा। तो तसल्ली दे रहा है फिक्र ना करे, लायक है आप, अल्लाह आपकी मदद करेगा। अबू बकर दस्ते दाए थे, आज दस्ते बाए हैं। अबू बकर नबी के इधर के थे, तुम नबी के उधर के हो, कुछ नहीं होगा आप। हजरत उमर सोचे इन्हें मुझे चढ़ा रहा है कि बड़े लोगों को चढ़ाने की तो छोटों की आदत है ना। क्या आस आप तुम्हें कहां गए तो भी तुम्हारा तस्करा कर तो इन्हें अभी जरा पेट बड़ा कर लेता। उमर सोचे इन्हें चढ़ा रहा है कि मंजे, इसका मैं इम्तिहान लेना। अच्छा मैं लायक हूं? हाँ। नबी का दस्ते बाजू था जी। अच्छा ये बता कि अगर मुझसे गलती हो गई तो? तब भी आप फिक्र ना करें, हम अगर बिगड़ गए तो आप हमको सुधारो, आप बिगड़ गए तो हमारी तलवार आपको सुधारेगी। बदवी कह रहा है फिकर मत करो उमर, अगर आपसे शरीयत के खिलाफ कोई काम होगा तो आप ये ना समझो कि अमीर है, हमारी तलवारें तुम्हारे हक में फैसला करेंगी। आज कौन तुम्हें बोल सकता, काउंसलर को, एमएलए को बोल सकता, एमपी को बोल सकता? बोले तो भी काउंसलर एमएलए एमपी खामोश हो गए तो भी उनके चमचे मेंढुका उछले सका उछलते मेंढुक चलता नहीं उछलता सो। चलो भाई मुजाहिद काउंसलर है, मुजाहिद के बारे में बोला है सीधा वोट डाला हूं, सीधे कामा करना, क्या तुम्हें उल्टे सीधे कामा करया तो फिर हमारी तलवार से तेरे फैसले होंगे। मुजाहिद अच्छा हजरत बोल को मुजाहिद काबू संगा, लेकिन उसके अतराफ आकर क्राफ के मेंढू का उछलते गुड़गुड़ गुड़गुड़ उड़कर अतराफ अकनाफ रहने वालों को मेंढुक बोलो, इसलिए कि पूरी मेंढुक की दो सिफत इन बड़े लोगों के अतराफ रहने वालों के पास है। एक सिफत उछलने की मेंढुक की, वो सिफत भी इन लोगों के पास होती। एक सिफत टरटराने की, वो सिफत भी इनके पास होती। असल आदमी उतना टरटराता नहीं जितने ये मेंढुक का टरटराना। हमारे साहब को बोलता लिया, हमारे साहब को बोलता लिया, कतरालता हूँ चिरालता हूँ क्या की किधर की है। उमर अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपके साथ है, आप नबी के दस्ते बाजू थे, असनाद आपके लिए है, आगे बढ़ो उमर, हमारी दुआएं साथ है। उमर ने इम्तिहानन पूछा मुझसे गलती हो गई तो? वो एक बदली कहता है उमर तब हमारी तलवारें तुमको सीधे करेंगी। उमर हाथ उठाकर दुआ करते हैं अल्लाह तेरा करम है कि तूने मुझे कैसे लोगों का हाकिम बनाया, तेरा करम है कि तूने मुझे कैसे लोगों का हाकिम बनाया।
खाली मिसाल के तौर पर बोले तो रियाया तलवार दिखा रही है। तलाक का मसला ही अगर उमर बदलते तो उमर को दुश्मन बाद में मारता, नबी के आशिक पहले मार देते।